पानी भरते हो? कैसे भरते हो? डिब्बे से। पानी की कुछ तकलीफें हैं? क्या? बहुत सारे, पानी दूर से लेके आना पड़ता है, पानी फिर पीने के लिए भी खरीदना पड़ता है। तो चढ़ा किस लिए, क्या है? मतलब पानी वाली इतना लंबा लाइन लगाए तो जल्दी भर देते ना। ना पहले पानी था अम्बुजबाड़ी के लोगों को, ना अभी भी पानी है अम्बुजबाड़ी के लोगों को। हाई कोर्ट में अपील किए थे और पानी हक समिति अपील की थी, उसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हर झोपड़पट्टी में पानी देना चाहिए, लेकिन यहाँ का बीएमसी पानी देने के लिए अभी भी नकार रही है। पीने के लिए पानी के कारण बच्चों का स्कूल का तकलीफ होता है, महिलाओं को तकलीफ होता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं जो पानी पी के, जो गटर का पानी आता है, बाहर का पानी आता है, ऐसा सबसे पहले रोड पानी तो कुछ भी नहीं है। तो पानी कैसे लेते हो आप लोग? पानी खरीद के लेते, 20 रुपए का खरीदना पड़ता है। अच्छा, लेकिन ये जो बीएमसी का आया है वो थोड़ा सस्ता लगता है। एक ही जगह लगाया है खाली, अभी 3 जगह लगाए थे, उसमें पानी ठंडा भी नहीं होता है। हमारा हक तो पानी का है ना, कहीं पर भी पानी मिलता है, ऐसा है। अरे मैं पानी आपको समिति के साथ जुड़ा हूँ। हम लोगों के साथ, लोगों के अधिकार के प्रति हम काम करते हैं। हम आज सह्याद्री नगर इस बस्ती में आए हुए हैं, लोगों को हम अपील कर रहे हैं यहाँ पर कि ऑनलाइन पानी का आप अर्जी भरो, ताकि लोग यहाँ पर पाँच पाँच लोगों का गुट करेंगे और बीएमसी में ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। इसके लिए हम पानी आपको समिति के तरीके से हम यहाँ पर लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए आ जाए। दो हजार सात के दौरान मुंबई महानगर पालिका के वाटर डिपार्टमेंट का निजीकरण करने का एक प्रस्ताव महानगर पालिका ने इनिशिएट किया। ये जो वर्ल्ड बैंक की एक सिस्टर कंसर्न है या सब्सिडियरी है, ये सिस्टर कंसर्न ने कुछ पैसे दिए थे और ये पैसों से फिर उन्होंने ये स्टडी करना था कि क्या ये वाटर सप्लाई का जो मैनेजमेंट है ये क्या कैसे इफ़िशियंट बनाया जा सके। तो उनके क्लेम जो जनरली रहते हैं वही थे, तो एक की 24/7 वाटर सप्लाई देना है सबको, अच्छा कस्टमर सर्विस देना है सबको, उसके बाद में क्वालिटी वाटर देना है सबको। तो ये जब उनके क्लेम्स थे और फिर हमने उसमें इंक्वायरी किया कि आप ये कैसे करने वाले हो, उसका कुछ तरीका है क्या? तो उनके पास एक ही जवाब था कि भाई ये जो है वो हम कॉन्ट्रैक्ट या कंसल्टेंसी किसी कंपनीज़ को देंगे और वो कंपनी ये इस तरीके से हासिल करेंगे। और उस प्रोजेक्ट का नाम था WDIP, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। एक्चुअली इम्प्रूवमेंट के नाम पे निजीकरण करने का प्लान है। मेरे बीएमसी में जब था तभी हमारे इधर कुछ काम निजीकरण करके कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए थे और हमने जब उनकी तुलना की तभी मालूम हो गया कि कॉन्ट्रैक्टर के लोगों से ज़्यादा बीएमसी के लोग ज़्यादा ठीक तरीके से या तो एफिशिएंटली वो योजना चला रहे, तो फिर निजीकरण का ये मामला ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर क्लियरली फंडामेंटल दो विषमताएँ, एक बाय पॉलिसी क्रिएट की जा रही है। बाय पॉलिसी क्रिएट की जा रही है मतलब क्या क्रिएट किया जा रहा है? तो पॉलिसी ये बोलती है कि जो ऐसी चाली है ये चाली को सिर्फ 45 लीटर हर इंसान को हर दिन पानी मिलेगा, लेकिन अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं तो आपको 140 लीटर हर दिन हर व्यक्ति को मिलेगा। तो 100 लीटर तो बाय पॉलिसी ही आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। उस
इसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन के और भी तरीके हैं। करोड़पति जो है वो 1000 लीटर के लिए 5 रुपया देते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, वहीं पर हमारे जयम्बे नगर के या मंडला के साथी जो है वो 1000 लीटर के लिए 500 रुपया देते हैं। तो ये जो शोषण है, ये शोषण को रोकना ये बहुत अहम है। तो बाय पॉलिसी आप ये भी बोल रहे हैं कि देखो 95 के बाद के जो लोग हैं उनको पानी नहीं मिलेगा, 15 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा। पहले आप जाति के आधार पर नकार रहे थे, आप अभी ये नियमों के आधार पर नकार रहे हैं। ये जो है ये मानवता के और मानव अधिकार के खिलाफ में या मानव अधिकारों का उल्लंघन है। और फिर इसको अगर रोकना है तो लोगों को इकट्ठा लाना, और ना सिर्फ मुंबई के लोगों को जिनके पास से ये पानी आता है। मुंबई का 97% पानी आज भी थाना के डिस्ट्रिक्ट में से आता है और उन धरनों में से आता है, उन डैम्स में आता है। तो वो जो पानी आ रहा है वहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो उनको भी इस संघर्ष में साथ में लेना चाहिए। और इसीलिए फिर मुंबई के पूरे लोगों के साथ में मिलकर के पूर्व में पानी हक अभियान की शुरुआत। अब क्या हुआ है कि बम्बई की बस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ज़्यादा करके बम्बई में जो झोपड़पट्टी है, क्योंकि बम्बई में जो बाकी बिल्डिंगें बनती है उसका प्लानिंग पहले से किया हुआ रहता है, तो उनको पानी तुरंत मिल जाता है कि बिल्डिंग हो गई तो बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो उनको पानी मिल जाता है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो भी बम्बई के म्यूनसिपाल्टी का एक ऐसा रवैया रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर मानवता के आधार पर उन्हें पानी दिया जाए। लेकिन ये व्यवस्था झोपड़पट्टी जो बढ़ती जा रही है उनके लिए नहीं की जाती है, क्योंकि उनके लिए पाइपलाइन डाली नहीं जाती है, वो पाइपलाइन डालने की ज़रूरत है। आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान का, उसमें लिखा हुआ है कि जीने के हक में पानी का हक आता है, तो इसलिए पानी सबको देना जरूरी है। और वो उसके बारे में ऐसे होता है कि झोपड़पट्टी वगैरह लोगों को बारे में पानी देने के बारे में BMC आगे पीछे करती है, क्योंकि उनके पास कुछ पुरावे नहीं रहते हैं, रहने का पुरावा नहीं, ऐसी बहुत सारी दिक्कत उनको आती है। फरवरी 2010 और वो पानी हक परिषद रही, और उस पानी हक परिषद में जब सभी साथियों ने अपने अनुभव और अपना विश्लेषण रखा, अपनी सोच रखी, और इसीलिए फिर उस दिन पानी हक समिति का गठन, तो पानी हक समिति का गठन हुआ। तो फिर हमने थोड़ा आंदोलन का पवित्र लिया, हमने कई रैलियां की, कई बार धरने धरे, उसके बावजूद भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मानने के लिए तैयार था। तो फिर हमने ये तय किया कि थोड़ा मीडिया का साथ लेना चाहिए। तो हमने कई ऐसे जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, जो मीडिया के सामने रखी कि उसका असर लोगों की ज़िंदगी पर क्या हो रहा है। सिर्फ चर्चाएं हुई लेकिन कोई भी निर्णय नियम बदलने की बात नहीं हुई, ना महानगर पालिका ने की, ना राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने। तो इसके बाद फिर हमने तय किया कि अभी हमको जाना चाहिए कि जुडिशियरी के पास, न्यायपालिका के पास, और न्यायपालिका के पास हमने फिर एक PIL 2012 में दाखिल किया, और उस जनहित याचिका को 15 दिसंबर 2014 में उसका निर्णय आया कि पानी तो बहुत फंडामेंटल राइट है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट। 2 साल हो गए, 2014 से 2016 तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसके ऊपर ठस से मस नहीं कर रही थी। फिर हमने वापस से आंदोलन का पवित्र किया, और जब अभी आंदोलन किया तो उसमें से एक हमारा जो आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ, जिसको हम कहते हैं पानी पिलाओ अभियान। तो पानी पिलाओ अभियान में हमने क्या किया कि लोग अपने घर से पानी लेके आ रहे हैं, और लोग महानगर पालिका के हेड ऑफिस हेडक्वार्टर के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं कि हम कमिश्नर को, मेयर को, स्टैंडिंग के चेयरमैन को, सबको पानी पिलाएंगे हमारे घर का, वो हमारे घर का पानी पिए और देखें कि हम किस तरीके का पानी पी रहे हैं और हम किस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। और वो 28 नवंबर 2016 की बात है, और उसी दिन फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में निर्णय हो गया कि देखो भाई हम तैयार हैं सबको पानी देने के। पर वो निर्णय ने भी वापस हिच हुआ कि भाई सबको देंगे लेकिन ये 5 लोगों को नहीं, तो हम बेघरों को नहीं देंगे, फुटपाथ पे रहने वालों को नहीं देंगे, समुंदर किनारे रहने वालों को नहीं देंगे, ऊंचाई पे रहने वालों को नहीं देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन पे रहने वालों को नहीं देंगे, प्राइवेट ज़मीन पे रहने वालों को नहीं देंगे, जहाँ प्रोजेक्ट वाइटल प्रोजेक्ट है वहाँ पर नहीं देंगे, जहाँ के कोर्ट केसेस चल रहे हैं वहाँ नहीं देंगे, ये वापस से इनको नहीं देंगे। फिर भी हमने ये तय कर लिया कि ठीक है इनको नहीं देंगे ना,
तो अभी हम सभी के पास से अर्जियां करते हैं और हम देखते हैं कि आप किसको देंगे किसको नहीं देंगे। और फिर तब से हमने एक नया अभियान शुरू किया और 2018 में हमने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है जहां इंसान वहां पानी अभियान, मानुष स्थित है पानी अभियान। तो 25 वॉलंटियर्स हमने तैयार किए, ये 25 वॉलंटियर्स बस्ती बस्ती जा रहे हैं। तो हमने 100 बस्तियों में ये सभी वॉलंटियर्स जा रहे हैं और ये वॉलंटियर्स जहाँ जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ वहाँ से पानी की अर्जियाँ भर रहे हैं और ये पानी की अर्जियाँ महानगर पालिका को ऑनलाइन जा रही है, उसके कागजात जा रहे हैं। ये अर्जियाँ भरने के बाद हम देख रहे हैं कि महानगर पालिका किस तरीके से इसको सपोर्ट नहीं करेगी। पहले हम लोग 35 लीटर केन है, 25 रुपया 30 रुपया केन, 2 किलोमीटर से लोग लेके आते थे बस्ती में, साइकिल पे लेके या कैसे भी अपने लेके वो लोग घर तक पहुंचाते हैं, मेहनत करते हैं वो लोग, 20-30 रुपये में देते हैं। पानी समिति के माध्यम से ही बीएमसी वार्ड से लड़ाई हुई, तब जाके यहाँ पे 2 टंकर काम चालू हुआ। रोज आना ये 2 टंकी है, 1 टंकर इधर आता है 1 टंकर उधर आता है, 2 टंकर आता है जो यहाँ पे पानी बीएमसी का पानी आता है यहाँ पे लोगों को दिया जाता है, कम दाम में दिया जाता है। अगर महीने का जोड़ लिया जाए तो 600 रुपये महीना हो रहा है, अगर यहाँ पे 10 रुपये में 1 गैलन दिया जा रहा है तो कम से कम 300 रुपये उनका बच रहा है, तो कम से कम अपने घर का लाइट का बिल भी भर सकते हैं बचत में करके, इतना लोगों को फायदा हो रहा है। और ना सिर्फ ये 25 लाख लोग, ये तो पूरे मुंबई की, पूरे मुंबई में सिर्फ अपना खुद का 3% पानी है। तो ये 3% में भी जो हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारे तालाब हैं, हमारे झरने हैं, इनको हम नाले बना चुके हैं और ज़्यादा जो भी बचे हैं, जो हमारी बावड़ियाँ हैं, ये सबको अभी हमको और नाले बनाने का हम तो दौड़ लगा चुके हैं, इसको हम बोल तो वो दौड़ को रोकना पड़ेगा और ये बचाने में भी आप लोग साथ सोबत संगत कर सकते हैं। तो ये सब पूरे प्रवास में ज़रूर हम इस मुंबई शहर को एक ना एक दिन एक नीला शहर और नीले को रिस्पेक्ट करने वाला शहर, इस ब्लू गोल्ड को रिस्पेक्ट करने वाला शहर बना पाएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।